हीरावती की मदद के लिए आए समाज सेवी और प्रशासन, संजय गांधी में होगा बेहतर उपचार, मिलेगी सुविधा। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां दिव्यांग युवती उपचार के लिए भर्ती कराई गई थी, जिसका पैर रेल दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था। युवती किसी तरह से संघर्ष कर अपने जीवन का भरण पोषण कर रही थी, लेकिन उसके पैर में मवाद आनी शुरू हो गई। वो अपने परिचित की मदद से संजय गांधी अस्पताल पहुंची, जहां उसका उपचार चल रहा है। मैं जिला सिंगरौली से आई हूँ और मेरे पैर ठीक नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मम्मी पापा नहीं हैं, बाकी के लोग हैं तो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे पापा थे इनिशियल में तो वो लोग हमारे हिस्से नहीं दे रहे हैं, भाई लोग बोल रहे हैं कि देंगे देंगे, लेकिन दे नहीं रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि अभी पैसे नहीं आया है, इसके वजह से बोल रहे हैं कि घर वापस बुला रहे हैं, तो नहीं गई, इसके लिए मैं इलाज करा रही हूँ। तो ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि आ जाओ, तो हम अपने मर्जी से यहाँ आए थे। दिव्यांग की मदद में उसकी सहेली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कलेक्टर प्रतिभापाल से मिलकर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद प्रतिभापाल ने अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को इसकी जवाबदारी सौंपी। अपर कलेक्टर ने समाज सेवी और संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों से मिलकर बेहतर उपचार के साथ साथ व्हीलचेयर और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की। डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली ग्राम जुबाड़ी की रहने वाली हूँ और मैं आज ये हीरामती बेगा को मैंने 8 महीने पहले से मैं इसको जानती हूँ। मुझे ये हॉस्पिटल में मिली है, तब से मैं इसकी पूरी तरह से, मतलब जितना मेरे से हो सक रहा है, मैं इसकी सेवा कर रही हूँ। और आज वहाँ से रेफ़र किए तो मैं रीवा लेके आई हूँ, लेकिन आज रीवा आने के बाद मेरे पास कुछ आर्थिक सहायता नहीं था, जो कि मैं कलेक्टर मैम के पास गई थी। वहाँ पे मैम ने काफ़ी मेरे को विश्वास और दिलासा देते हुए अब मेरे को काफ़ी हिम्मत दिया, और अपर कलेक्टर सर ने भी मेरे को काफ़ी उन्होंने भी मेरी मदद की। आज हीरामती बेगा को मोबाइल और आर्थिक सहायता पूरी तरीके से, और बैंक के मैनेजर और ये सब मिलके जितने भी हैं सर लोग, मेरे बहुत काफ़ी मदद किए। और आज मैं इसको लेके यहाँ पे इलाज के लिए भी बोल रहे हैं कि मैं आगे तक भी काफ़ी मदद करूँगा, और मुझे बहुत बहुत इनकी, मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी को, कि मेरी काफ़ी मेरे को हिम्मत बढ़ाए। और मैं ऐसी चाहती हूँ कि बस मेरे को हिम्मत की ज़रूरत है, बाकी तो आगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती रजक है। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि हीरावती ने ट्रेन दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था, उसी पैर में अब मवाद बनने लगी थी, शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा था। युवती को शीघ्र ही यहाँ से निजी बैंक, समाज सेवी और प्रशासन की मदद से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिनका प्रस्ताव बनाकर सिंगरौली भेजा जाएगा, जिससे युवती को अनुसूचित जनजाति सहायता से भी मदद की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं उक्त मदद पाकर हीरावती के साथ साथ अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने क्या कहा है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। ये संजय गांधी चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में हीरामती बेगा, जो कि सिंगरौली की रहने वाली हैं, ये यहाँ पर भर्ती थी और इनको यहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा था। पार्वती रजक इनकी साथी हैं, जो कि स्वयं भी दिव्यांग हैं और सिंगरौली की रहने वाली हैं। इनके द्वारा कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल मैडम से संपर्क करके और ये बात बताई गई कि एक लड़की हीरामती है, जिसके कि माता पिता नहीं है। आज से 8-10 साल पहले एक रेलवे के एक्सीडेंट में, ट्रेन दुर्घटना में, इसका पैर कट गया है और अब उसका पैर, इसके बाद भी वो अपने संघर्ष करके और अपने स्तर से जीवित थी और अपना रोजी रोटी चला रही थी, लेकिन अब क्योंकि पैर में मवाद आदि जमा होने के कारण उसकी स्थिति खराब हो गई थी और ऐसी स्थिति में उसको मदद की सख्त आवश्यकता, क्योंकि उसके परिवार का कोई सदस्य उसके पास नहीं है। तो इस विषय को हम लोगों ने लिया और फिर हमारे साथ में डीएम नान पंकज बोरसे जी के माध्यम से श्री सुरेश मिश्रा जी हैं, जो ठेकेदारी का कार्य करते हैं वाहन आदि का, उन्होंने आगे बढ़ के 20,000 रुपये, पंकज बोरसे जी ने 10,000 रुपये, हमारे HDFC बैंक के क्लस्टर हेड हैं विशाल जी और हमारे HDFC बैंक के रीवा के मैनेजर साहब ने, जो पार्वती आई थी उनको 2100 रुपये की मदद दी है, व्हील चेयर की उनको ज़रूरत थी वो दी है,
जिला प्रशासन की तरफ से उनको एक मोबाइल और मोबाइल नंबर दिया गया जिससे कि हम लोग उनके कॉन्टेक्ट में रह सकें। इनका बैंक खाता खुलवाया जा रहा है, कल इनको ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर इंद्रेश त्रिपाठी जी हम लोग के साथ में हैं। संजय गांधी जिला चिकित्सालय के सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि इनको बेहतर से बेहतर उपचार किया जाएगा और बाकी भी हम लोग इनके आगे जानकारी लेते हुए जो यथासंभव मदद होगी कोशिश करेंगे कि बेहतर ढंग से इनका उपचार हो सके और जल्दी जल्दी स्वस्थ हो सके। जिला प्रशासन की ओर से कोई आर्थिक मदद? इनके लिए अनुसूचित जनजाति की है ये और इनका निवास सिंगरौली में है। हम लोग इनका प्रकरण तैयार करके सिंगरौली भेज रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति राहत योजना के अंतर्गत इनको वहाँ से भी सहायता दिलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त तत्काल तौर पर रेड क्रॉस से हम लोग कुछ मदद दिलाएंगे क्योंकि मदद करना ज़रूरी था और युवा के लोग मदद करने में आगे रहते हैं। तो फिलहाल सुरेश मिश्रा जी ने इसमें सहायता की है। आप सभी लोगों ने भी जो इसको कवरेज किया और हम लोगों को सहायता की उसके लिए बहुत बहुत। नए वीडियोज एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।